नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राशि उपचार में। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई से सावन मास शुरू होने वाला है और इस खास मास में जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, मैं आज आप सभी के लिए खास वीडियो लाई हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि क्या एक चीज़ है वो जो आप घर ला सकते हैं और सुख समृद्धि पा सकते हैं इस सावन महीने में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और भगवान भोलेनाथ के नाम पे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है, इसीलिए इस मास में भगवान शिव की पूजा व आराधना की जाती है। साल 2021 में सावन महीने की शुरुआत 25 जुलाई से हो रही है। जिस तरह ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा एवं शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तो वही शास्त्रों के अनुसार दोस्तों इस महीने में कुछ विशेष चीज़ें घर लाने से भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, ये कौन सी चीज़ है जिन्हें सावन महीने में घर लाने से शुभ होता है। डमरू। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के साथ उनका डमरू हमेशा रहता है। माना जाता है कि डमरू में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्षमता होती है, इसलिए सावन महीने में शिव जी का डमरू घर लाना शुभ होता है। ये अपनी तेज आवाज से नकारात्मकता को दूर करता है और इससे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। त्रिशूल। सावन महीने में त्रिशूल घर लाना शुभ होता है। यदि आप अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखना चाहते हैं तो भगवान शिव के तांबे के त्रिशूल को अपने घर में ज़रूर रखें, इससे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं गंगा जल की। दोस्तों, भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा जी को समाये हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन माह में अपने घर में गंगा जल लाकर अवश्य रखते हैं और रोजाना इससे महादेव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रुद्राक्ष। सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाए जरूर दोस्तों। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से बना है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय, इसलिए रुद्राक्ष को शांति व समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यदि भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में रुद्राक्ष के दाने या इसकी माला लाकर हम घर में रखते हैं तो इससे आपको जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। चांदी के नंदी। जी हाँ दोस्तों, सावन में चांदी के नंदी घर लाना भी शुभ होता है। नंदी जी भगवान शिव की सवारी हैं। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठा का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन महीने में चांदी के नंदी को घर लाते हैं तो इसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो इससे आपके धन में काफी वृद्धि होती है और तो आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। तांबे का जलपात्र। जी हाँ दोस्तों, सावन महीने में तांबे का जलपात्र घर लाना शुभ माना जाता है। सावन के किसी भी दिन तांबे के इस लोटे में जल भरकर घर में रखें और समय समय पर इस जल को बदलते रहें, इससे घर के लोगों में आपसी रिश्ता प्यार मजबूत और गहरा होता है। अब जानते दोस्तों सबसे आखिरी चीज़ के बारे में जो कि है भस्म। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सावन महीने में भस्म घर लेकर आए और इस भस्म को उनकी मूर्ति के साथ अवश्य रखें। माना जाता है कि यह बाहरी नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी सावन महीने में घर लाने वाली ज़रूरी चीज़ें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आप अपने घर पे क्या लाने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए राशि उपचार। धन्यवाद।